नेहरू युवा केंद्र स्वारघाट के सौजन्य से युवक मंडल काथला द्वारा स्वारघाट में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उनके साथ जिला परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष अमरजीत सिंह बग्गा भी मौजूद रहे। स्वारघाट में आयोजित की जा रही इस 2 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 25 टीमें भाग ले रही हैं। पहले दिन की आयोजित की गई खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी मैच में अंडर 17 में दभेड़ा ने रिहा को 51 के मुकाबले 41 अंकों से मात दी। दूसरे मैच में मतनों ने कुल्हा को 20-8 की मात दी। वहीं स्वारघाट ने काथला को 35-24 से मात दी। वहीं स्वाहर ने स्वारघाट बी टीम को 34-25 से मात दी। अंडर 21 कबड्डी मुकाबले में री ने दभेड़ा को पराजित किया, तो वहीं काथला युवक मंडल के प्रधान गुलमेर सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि अंडर 21 कबड्डी की विजेता टीम को 11,000 व उपविजेता टीम को 7100 रुपये इनाम दिया जाएगा, जबकि अंडर 17 कबड्डी मुकाबले की विजेता टीमों को 7100 रुपये व उपविजेता को 5100 रुपये दिए जाएंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला परिषद के चेयरमैन अमरजीत सिंह बग्गा तथा युवक मंडल काथला के प्रधान गुलमेर सिंह, उप प्रधान अशोक, सचिव राजपाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खेल प्रतियोगिता की जा रही है, यह युवक मंडल काथला द्वारा नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर के सौजन्य से यह टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। इन टूर्नामेंट का जो मेन मोटिव है वह बच्चों को नशे से दूर और खेल के साथ जोड़ने का, और बच्चों को जो आज की डेट में मोबाइल में जो बच्चे उलझे हुए हैं पूछ ये सब छुड़ा के उनका खेलों की ओर ध्यान आकर्षण करने का है। इसके लिए युवक मंडल काथला ने पहले भी प्रयास किए हैं, अब भी किया और आगे भी करते रहेंगे, और जिसके लिए यहाँ पे स्वारघाट में हमने ये जो 8 और 9 तारीख को 2 दिवसीय जो खेल टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं उसमें आज जो मैच होंगे वो मैच होंगे हमारे पहले राउंड के, और जो भी विजेता टीम होंगी उनके कल जो है वो फाइनल राउंड होने के बाद उन विजेता टीम को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में खिलाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जो टीमें विजेता होगी वो फिर